بسم الله الرحمن الرحيم. खुश रहें इसलिए नहीं कि जिंदगी में सब अच्छा है, बल्कि इसलिए कि आप जिंदगी के हर पहलू में अच्छा देखने की सलाहियत रखते हैं। जिंदगी में खुश रहने का राज ये है कि आप अपने माजी को तस्लीम कर लें, मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों से। ज़िंदगी में इस तरह हंसते मुस्कराते रहें कि कोई आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मकासद पर नज़र रखना ही असल खुशी की बुनियाद है। अपने माजी से सबक सीखो और अपने मुस्तकबिल को पुरसकून बनाओ। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं। आपकी खुशियों को हासिल करने वाला एक ही शख्स है और वो आप खुद हैं। कभी अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ मवाजना मत करें, मवाजना खुशियों का कातिल होता है। वक्त हर चीज़ का मरहम होता है, इसलिए थोड़ा वक्त दो। ज़्यादा सोचना भी खुशियों को गारत कर देता है। हर सवाल का जवाब जानना ज़रूरी भी नहीं होता। दुनिया के तमाम मसाइल के आप ज़िम्मेदार नहीं हो। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया इस पर शुक्र करो, जो छिन गया इस पर अफसोस ना करो। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ़ कर दें, कुदरत इज़्ज़त देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छुप जाएं, अपनी तशहीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत डाल देती है। यही राज है, उलट होता है यहाँ सब। आप बेनियाज हो जाएं, कदमों में आ गिरती है हर चीज़। बस जल्दी ना मचाएं, अल्लाह से ज़िद ना लगाएं, इंतज़ार करना सीख लें। अल्लाह के काम अपने हाथों में ना लें, कोशिश करें और नतीजे के पीछे ना भागें। कोशिश करके चुपचाप साइड पे हो जाएं, वो देख रहा है, आपका हिस्सा आपको ही देगा। बहुत से राज हैं इस ज़िंदगी में छुपे हुए, ये चंद बातें और ऐसी ही कितनी ही बातें जिनके राज रोज़ अफशां होते हैं।